अमरावती के रानानी कॉम्प्लेक्स में वाके आइडियल डायग्नोस्टिक सेंटर पे आज सिटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर यशोमती ठाकुर के हाथों अमल में आए इस इफ्तिताही तकरीब में कई समाजी और मिली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब को कामयाब बनाने में डॉक्टर इब्राहिम खान, डॉक्टर फहीम किदवाई, डॉक्टर असरार खान, डॉक्टर जीशान खान, डॉक्टर इमरान अमन खान, डॉक्टर मुजाहिद इकबाल, डॉक्टर काशिफ अनवर, डॉक्टर इमरान शेख, डॉक्टर मोहम्मद जीशान, डॉक्टर फहीम खान ने अहम रोल अदा किया। इस मौके पर अमरावती की गार्जियन मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर यशोमती ठाकुर ने आइडियल डायग्नोस्टिक सेंटर का मुआयना किया और उनकी जानिब से की जा रही खिदमत की खूब सताइश की। आइडियल डायग्नोस्टिक सेंटर की खिदमत को देखते हुए यशोमती ठाकुर ने डायग्नोस्टिक सेंटर को 1,00,000 रुपये देने का वादा किया। तकरीब का आगाज हाफिज नाजिमुद्दीन अंसारी ने तिलावत कुरान पाक से किया और अख्तिताम में डॉक्टर फहीम किदवाई ने का इजहार। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मदद करना ही मतलब अल्लाह की इबादत करना है, नहीं तो अपन कितना भी भगवान का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, यहाँ गरीब मर रहे उनको उनके तरफ नजरअंदाज कर रहे तो वो दुआ भी कबूल नहीं होती। आप लोगों ने सही में जो काम किया है वो सही में काबिले तारीफ, और आप जैसे लोगों से ही आज अपना समाज और भारत उन्नति कर रहा है कि जिनको ये इस चीज की जानियो है कि जो समाज ने अपने को बनाया है वो समाज को अपने को कुछ वापस देना है। आप सब लोगों ने जो ये एक तो सिटी स्कैन का भी विलास भाव ने बताया कि कोरोना के काल में सिटी स्कैन, इस देश के बच्चे बच्चों को मालूम पड़ गया कि सिटी स्कैन क्या है, नहीं तो पहले किसी को मालूम नहीं था सिटी स्कैन क्या है। जो बीमारी होता था वही जाता था, सिटी स्कैन की क्या अहमियत है सबको मालूम है। और सही में ये एरिया के लिए जैसा इन्होंने बोला कि सिटी स्कैन लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, पर ये एरिया में जो गरीब तबका है जो ये इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए सिटी स्कैन कितनी बड़ी बात है ये सिर्फ ये एरिया में ही मालूम है। आप सब लोगों ने जो इतना बड़ा काम किया है मैं भगवान से ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप लोगों का ये काम निरंतर चलता रहे और इससे बड़े पैमाने पे आपका जो हॉस्पिटल चालू करने का उद्देश्य है वो भी पूरा होए और ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की आप सेवा कर सके। तो बीच में जो हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया हुआ है राव साहब के टाइम आधा काम बचा था, फिर विलासबो स्टैंडिंग चेयरमैन थे तो मैंने विलासबो को बोला विलासबो ये आधा काम बचा हुआ अपने दोनों के हाथ से होने को ना, तो 2 करोड़ की पूरी बिल्डिंग तैयार है, पर फिर बाद में अपनी सत्ता चली गई, ये हो गया सब रह गया। तो ये सब लोग आए थे, इन्होंने भी ये चैरिटेबल ट्रस्टी चालू करना था इनको, पर कुछ कारण से वो हो नहीं पाया इसलिए। और मुस्लिम आरक्षण के लिए तो विलासबो ने बोला ही है, देखो एक बात ध्यान रखो, जहाँ जब महाराष्ट्र में कांग्रेस 1 नंबर की पार्टी थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जब एक झटके में मुस्लिम आरक्षण दिया और सर्टिफिकेट भी इशू किए थे। अभी ये जो मसला है तुमको मालूम है कि सियासत का मसला है, ऊपर के लोग अभी एक बात ध्यान रखो, मुस्लिम आरक्षण देने के लिए अभी कुछ लोग बोलते कि व्हाट्सएप पे कांग्रेस का विरोध है। अरे कांग्रेस का कैसा विरोध है, कांग्रेस का विरोध है तो पहले आरक्षण देती नहीं थी, क्यों दिया उन्होंने? अभी क्या हो गया, ये जो केंद्र में जो गवर्नमेंट है, अभी तुमने देखा होगा मराठा समाज इतने बड़े पैमाने पे आरक्षण के लिए लड़ रहा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनके आरक्षण निकाल दिया उन्होंने। तो ये ऊपर कैसा संशोधन करना है, पर ये ऊपर के जो स्पष्ट बोलता है जो केंद्र की जो गवर्नमेंट बनी है उसकी इच्छा है कि कुछ भी करके इनको तकलीफ में लाना, कुछ भी करके तकलीफ में लाना, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराना और यहाँ पर वापस जबरदस्ती बीजेपी की सरकार लाना, ये उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ। देखो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी ये हमारे अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष रफू भाई ने नाना पटोड़े साहब जब आए थे तो ताई के माध्यम से निवेदन दिया था। नाना पटोड़े साहब ने किसको दिया है रफू? सत्यजीत कदम जो वो डिपार्टमेंट के मंत्री है उनको उन्होंने फॉरवर्ड भी किया। हाँ विश्वजीत कदम उनको फॉरवर्ड भी किया और उसकी कॉपी रफू भाई को भी भेजी है। आपका जो मसला है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी ताकत से साथ में है, ताई भी साथ में, हम सब लोग साथ में। आज यहाँ पर इतने पवित्र काम के लिए आज यहाँ पर हमको बुलाया, ताई को बुलाया, मेरे को बुलाया, विलास भाव को बुलाया, इसलिए मैं आप सब लोगों का इस आइडियल चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर्स जो टीम है और इनके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।